चौबीस सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी में मंथन चल रहा है लेकिन बीजेपी की मुसीबत कम होने की जगह बढ़ती दिखाई दे रही है भांडेर के पूर्व विधायक घनश्याम पिरोनिया ने टिकट के लिए दा, दावेदारी ठोक दी है और पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी है कांग्रेस से बगावत करके बीजेपी में आई सिंधिया समर्थक रक्षा सिरोनिया को भांडेर से टिकट का दावेदार माना जा रहा है ये रिपोर्ट देखिए बागी बढ़ा रहे बीजेपी की मुश्किल पार्टी कैसे निकालेगी इसका हल भांडेर से पूर्व विधायक ने ठोका दावा कहीं निकल ना जाए एकजुटता की हवा पार्टी विद डिफरेंस कही जाने वाली बीजेपी में उपचुनाव से पहले कई सीटों पर नेताओं के बीच डिफरेंस साफ नजर आने लगा है बीजेपी में आए सिंधिया समर्थक नेताओं को टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है ऐसे में लंबे वक्त से पार्टी के लिए काम कर रहे नेताओं और उनके समर्थकों में नाराजगी देखने को मिल रही है वहीं अब भांडेर से पूर्व विधायक घनश्याम पिरोनिया ने टिकट के लिए दावेदारी ठोक कर बगावती तेवर अख्तियार कर लिए हैं पिरोनिया को उम्मीद है कि पार्टी उपचुनाव में अपने मूल कार्यकर्ता का ध्यान रखेगी भांडेर विधानसभा में भी उपचुनाव होना है हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते अपनी बात हमने अपने वरिष्ठ नेताओं से अपने नेतृत्व से निवेदन किया है और इससे पहले भी विधानसभा चुनाव में मुझे मेरा टिकट काट दिया गया था लेकिन हमको विश्वास है हम सब भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ठीक निर्णय करेगा और हम जैसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं के बारे में पार्टी विचार करेगी और निर्णय होने के बाद में हम सब कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए से से ऐसा मैं आश्वासन देता कांग्रेस से बगावत कर आई सिंधिया समर्थक पूर्व विधायक रक्षा सिरोनिया बीजेपी से टिकट की सबसे बड़ी दावेदार हैं ऐसे में घनश्याम पिरोनिया के दावे के बाद पार्टी की मुश्किल जरूर बढ़ेगी पिरोनिया लगातार ये कहते रहे हैं कि पार्टी में लगातार उनकी उपेक्षा होती रही है वही बीजेपी को अभी भी लग रहा है कि वो रूठों को मना लेगी और उपचुनाव में बड़ी जीत दर्ज करेगी नाराजगी के बाद पूर्व मंत्री दीपक जोशी के बदले सुर भी यही इशारा कर रहे हैं कहीं कोई बगावत नहीं सब समरस है एकमत हैं, है एकजुट है भारतीय जनता पार्टी 24 में से 24 सीटों पर चुनाव जीतेगी भी मौजूद नहीं थी तमाम नेता मौजूद नहीं थे पे सवाल खड़े होते हैं इसके कारण अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सब एकमत हैं चुनाव जीतने के लिए और एकजुट देखिए पार्टी ने कहा वो व्यवस्था पार्टी का जो हमारे संगठन है उसके नियमों के अनुसार होती है उस नियम के अनुसार बागियों और रूठों को मनाकर साथ लेने की बीजेपी की बात कितनी सही है ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा फिलहाल कांग्रेस इस मुद्दे में आग में घी डालने की रणनीति पर काम करती दिख रही है कि जो विधायक रहा है और मंत्री रहा है जिस क्षेत्र से लड़कर उसकी जगह कोई नया कांग्रेस छोड़कर कर वहाँ जाएगा कोई बर्दाश्त नहीं करता अगर कांग्रेस में भी ये स्थिति बनती तो मैं नहीं समझता कि कांग्रेस का कोई भी नेता जो उससे विधायक रहा है या मंत्री रहा है वो उसको बर्दाश्त करता तो ये बहुत ही राजनीति का नेचुरल फिनोमेना है और कितने ही लोग बोलें डॉक्टर सेजवार के भी इसमें स्टेटमेंट आए कि पहले इनको यहाँ का डिसप्लिन मानना पड़ेगा चंबल ग्वालियर संभाग में जितनी भी जगह हैं सब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लोग वहाँ पे मंत्री रहें चाहे अनूप मिश्रा जी का ले लें पौरिया जी का ले लें और रुस्तम जी का ले लें ये तो जितने लोग रहें कहीं ना कहीं मंत्री और एक इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज उनके पास रहें वो नहीं चाहेंगे कि उनके स्थान पर कोई आ जाए तो ये स्थिति बिल्कुल बनी रहेगी चुनाव में भांडेर से पूर्व विधायक घनश्याम पिरोनिया उपचुनाव से पहले बीजेपी में बगावती सुर अख्तियार करने वाले पहले नेता नहीं हैं न ही आखिरी हैं